हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो स्वागत है आपका नए दिन, नई सुबह और नए व्लॉग में। सो गाइस, मैं अभी सो के उठा हूँ। आप मेरी आंखें देख सकते हैं गाइस, कैसी हुई हैं। नींद कंप्लीट नहीं हुई है। कम वक्त रात छोटी पड़ जाती है सोने के लिए और नींद कंप्लीट नहीं होती है। नींद कंप्लीट हो जाती बट माता श्री की डांट खाने के बाद मैं सो कर उठा हूँ। माता श्री कह रही हैं और मुझे डांट रही हैं, कह रही हैं ये कोई बेटा विद्यार्थी वाले लक्षण नहीं होते हैं, आप इतनी देर में सो के उठ रहे हैं। तो गाइस, मैं भी आपको क्या बताऊँ, मैं भी थोड़ा लापरवाह हो गया हूँ, क्योंकि 9 अप्रैल को मेरी फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा थी। उस परीक्षा के बाद से मैं बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा हूँ और मैं अपने जिस समय से मैं पहले उठता था उस समय से मैं सोकर नहीं उठ रहा हूँ। पहले मैं सोकर 4 बजे उठ जाता था मॉर्निंग टाइम, उसके बाद मैं थोड़ा रिवीजन, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई वगैरह करता था, जो भी मेरे नोट्स होते थे मैं उन पर थोड़ा देर उसमें प्रकाश डालता था। उसके बाद से अब मैं थोड़ा उसको स्किप कर रहा हूँ। बट अभी मतलब रिटन एग्ज़ाम तो अभी कोई है नहीं दूर दूर तक, फिजिकल वगैरह हैं तो अभी मैं उनकी तैयारी कर रहा हूँ फिजिकल वगैरह की भी। सुबह जब थोड़ा फ्रेश रस हो जाए, दांत दांत दिसा जाए और थोड़े शक्ल में भी खूबसूरती लाई जाए, बोर प्लस और फेयर एंड लवली क्रीम लगा के थोड़ा ब्यूटीफुल बना जाए। सो गाइस, उसके बाद फिर हमें दवाई वगैरह भी खानी है, नाश्ता वास्ता करके भी, नाश्ता करने के बाद हमें दवाई खानी है। दवाई खा के फिर हमें कोचिंग वगैरह भी जाना है, कोचिंग नहीं छोड़नी है गाइस, हमें अभी निरंतर प्रयास करते रहना है, जब तक मंजिल नहीं मिलती है तब तक। तो गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो हाँ मेरी जान, अब हो गए हम रेडी। तो बालक और बालिकाओं, भाइयों और उनकी बहनाओं, और हम हो गए रेडी। देखिए पहले से और भी ज़्यादा हम ब्यूटीफुल हैंडसम लग रहे होंगे, ब्यूटीफुल तो नहीं हैंडसम लग रहे होंगे। तो गाइस, गलती से मैंने फेयर एंड हैंडसम की बजाय फेयर एंड लवली लगा दी। देखिए अब मेरी खूबसूरती किसी को बताने का नहीं। ठीक है गाइस, तो मेरी जान अब खाना ना खाते हैं। खाना बन गया मम्मी? खाना रेडी हो चुका है गाइस, रोटी यहाँ पर पूरी बन गई है यहाँ पर, अब खाते हैं हम खाना। तो गाइस आ जाइए खाना खाने को। गाइस मिलते हैं कोचिंग से आके। कोचिंग में फ़ोन में नहीं ले जाऊंगा, कोचिंग फ़ोन ले जाने से थोड़ा सही नहीं लगता है, वहाँ पढ़ने जा रहे हैं, कोई फ़ोन चला नहीं जा रहा है गाइस। तो उसके बाद आते हैं, फिर आपको मैं दिखाता हूँ एक नई जगह, बने रहिए व्लॉग में और किसी को नहीं बताने का। सो फाइनली गाइस, मैं कोचिंग से घर पहुँच गया हूँ और बाप रे इतनी गर्मी हो रही है आज, क्या ही बताएं। पैदल चलते चलते 800 मीटर चलने में मेरा धुआं निकल गया है और मात्र अभी दिन के 10 बज रहे हैं और 10 बजे इतनी धूप हो रही है गाइस, देख सकते हैं आप कड़ाके की धूप हो रही है। आने वाला जो समय है मई का महीना, अभी अप्रैल चल रहा है, तब जाकर कितनी गर्मी होगी। फिर जून, वर्ष का सबसे गर्म महीना जून होता है, जून में तो भाई जीना ही आराम हो जाएगा गाइस। तो गाइस आज का सीन हम कुछ ऐसा बताते हैं, आज अपने पंटर लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, पंटर लोग कह रहे थे आज हम कहीं घूमने जाएंगे, कुछ सीन ऐसा रहेगा गाइस, देखो पता नहीं कहाँ ले जाते हैं। अभी हमारा एक पंटर कोचिंग से ही आया हुआ है, उसकी कोचिंग थोड़ी देर में छूटती है, मेरी कोचिंग बट जल्दी छूट जाती है गाइस। उसके बाद फिर हम जाएंगे कहीं पे, तो बने रहिए ब्लॉग में लगातार तार तार लगातार मेरी गाइस। तो आपको हम दिखाएंगे नज़ारा, क्या नज़ारा होता है, तो बने रहिएगा। तो बस विलेज लाइफ में यही होता है, आपको ये सारी चीज़ देखने को मिलेगी। और फ्लिपकार्ट में इसका प्रचार प्रसार हो गया है, आप देख सकते हैं। मैंने एक दिन सर्च किया था फ्लिपकार्ट और अमेजन में, तो 5 कंडों की कीमत बहुत ज़्यादा थी अप्रोक्स, मुझे यकीन नहीं आ रहा है बट जितनी भी थी 100+ में थी बट इतनी कीमत थी। तो गाइस देख सकते हैं आप, कोई भी चीज़ कहते नहीं कि वो चीज़ बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस, सारी चीज़ काम में आती है, बस अरे आपको उसको काम में लाने की अकल होनी चाहिए, खराब से खराब चीज़ भी आपको प्रॉफिट दे सकती है।
टैक्स एग्जाम स्टोर करके रखी है। और ये भूसा देख सकते हैं आप, बढ़िया तरीके से सर्विस करना भाई, नहीं तो पगार नहीं मिलेगी। ठीक है, आधी पगार काट दी जाएगी, नहीं तो 2.5 रुपया में से तुम्हारे 1.5 रुपया काट दिए जाएंगे। सो गाइस हमें 2 चमन का इंतजार है, और 2 चमन हमारे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं देखते हैं गाइस। हाँ वो आ गया, इसका इंतजार था। तो गाइस हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं हम कहाँ जाने वाले हैं, कहाँ का रास्ता आज हम नाप रहे हैं। हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है। तो भाई दुकान कितनी की हो, मेरे तो भाई बहुत दुकान इंसान है, आतंक बता के रख लेते हैं, वो दुकानदार बन जाते हैं। तो भाई ऐसे सावधान रहे, दूसरे दुकान में कब्जा कर देते हैं, कुछ ही सामान देने लग जाते हैं। देखो देखिए वो चोर चोर क्या कर रहा है, दुकानदार कोई फायदा ही नहीं है, कुछ सामान देने लग जाते हैं। A few moments later. तो गाइस यही शख्स है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, अभी कोचिंग से आ गया है, इसकी छुट्टी हो गई। देखो कितना मस्त मगन है, एक अलग ही दुनिया है, स्वैग है इसका भी अलग ही। तो गाइस मैं थोड़ा साइड में आ गया हूँ, वहाँ पे लग सकता है खाद्य पदार्थ लेने के लिए। मेरे लिए अभी कुछ पढ़ाई नहीं है गाइस, साइड में आ गया। अगर आपके पास पैसा ना हो तो आप साइड में आ जाना चाहिए। मटेरियल पानी, खाने पीने वाला सामान जो भी होता है, माउंटेन डीओ, कोका कोला, और खाओ कोला, मस्त हो जाओ। आप सोच नहीं सकते मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो गाइस ये देखिए मैं कहाँ गया हूँ, आज मैं स्विमिंग पूल में आया हूँ नहाने के लिए, और नहाया जाएगा। बहुत ही गर्मी लग रही है, आए गर्मी अब मुझसे रहा नहीं जाता, पर खबर नहीं होता है भाई लोगों का। कसम देखिए बहुत ही मजा आने वाला है गाइस, बने रहिए ब्लॉग के साथ। छोटे गर्मी में फुल एंजॉय चलता हुआ यहाँ पे भाई लोगों के साथ। तगड़ा रोला चलता हुआ यहाँ पे, काफी संख्या में यहाँ पे लोग आए हैं। कन्नू डॉन जय भाई साहब। ये तो गया भाई, बहुत तेज हो रहा है, ये भी गया। अरे भाई विनर रह चुके, अगर आपको सस्ते में मजा लेना है तो यहाँ पर आ सकते हैं गाइस, यहाँ पर गोवा वाले बीच में। यहाँ पर आपको बहुत ही कम कॉस्ट में मात्र 50 रुपए के पेट्रोल में आपका बहुत बढ़िया एंजॉय हो जाएगा गाइस यहाँ पर। और यहाँ पर भाई लोग जैसे कि आए हुए यहाँ पर पूरी एंजॉय ले रहे हैं गाइस, यहाँ पर गर्मी का बहुत मजा ले रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखते हो यहाँ पे बहुत ही मजा आ रहा है गाइस नहाते हुए। और अभी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई गाइस, अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो पहाड़ में जो बर्फ़ होती है वो बर्फ़ पिघलने लग जाती है, तो ये पानी का कलर थोड़ा कॉफ़ी की तरह आने लगता है। अभी ये कलर थोड़ा सा सफ़ेद है पानी का, गाइस देख सकते हैं आप भाई लोग इंजॉय चलते हुए। यहाँ पर भाई को डुबाने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। Oh, my God.
भाई एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंडशिप है उनकी, यारी है, ऐसे ही यारी का पट्टा उड़ाते भाई भी डुबा दिया। गाइस आप फिजिकल देने यहाँ पर आए हैं अमित भाई, इनके लिए थोड़ा नीचे कर दो। अरे 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 ये क्या था भाई, अगले जन्म ट्राई करना। अरे भाई बड़े भाई, ये फिजिकल सिलेक्टेड 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 होने में करना है। आगे बात फिर से ये बादाम खिलाओ, बादाम खिलाओ, बादाम खिलाओ बेचारे को। फिजिकल फिजिकल इनकी कर दो भाई टाइट इसके लिए। अरे मां कसम ओलंपिक गोल्ड ओलंपिक गोल्ड। तो गाइस अभी तो काफी पानी का भी साफ आ रहा है, तो अभी नहाते मजा आ रहा है। साफ पानी है इसमें, आप आंख नहीं जगाकर स्विमिंग कर सकते हैं। और जब गंदा पानी आता है तो आँख लगाने में उतना मज़ा नहीं आता है, अजीब लगता है और आँखों में भी बहुत रेत आ जाती है। तो गाइस अभी नहा लिया है, अपने पंटर लोग सारे कपड़े अपने चेंज कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ देख सकते हो। नहा नहा की इच्छा भर गई है भाई लोग, पर अपनी इच्छा नहीं भरिएगा, अपन नहाएगा और एंड तक नहाएगा। तो क्या बोलती पब्लिक भाई, नहा लिया क्या? गाइस फाइनल राउंड की हमारी तैयारी हो रही है नहाने की, आखिरी बार नहाने की तैयारी। आओ यार आओ, आओ रे आओ सज्जन, हाँ मेरे भाई यार मेरी जान, तू कैसा कर रही है, तू मेरे को ऐसे कैसे छोड़ सकती है अकेली। हाँ भाई मेरे वहाँ टाइम मत मार, ओए ओए मत कूद यार वहाँ से मत कूद यार। सुसाइड ये तो जानबूझ के सुसाइड करने की कोशिश की जा रही है, और मैं आखिरी बार मार रहा हूँ यहाँ पर। फिर उसके बाद घर जाएंगे गाइस, घर कहाँ जाएंगे, उसके बाद दौड़ने जाएंगे गाइस, दौड़ने भी जाना होता है। 2:30 बजे दौड़ने जाएंगे गाइस हम भट्टा ग्राउंड में, वहाँ पे अपने पट्टा लोग आ गए होंगे। अभी तो 2 बजने वाला है गाइस, 2 बजे और दिन हम घर से निकल जाते हैं, बट आज थोड़ा लेट हो जाएगा। 2:30 बजे के बाद हम दौड़ने लग जाते हैं, वहाँ पर जंगल सफारी आते हैं, दिखाएंगे आपको लोग देखते कैसी जंगल सफारी होती है हमारी। जंगल में कम फिल्का सीजन आ जाता है, भाग फिल्का भाग, बस गर्मी में फट जाती है गाइस, फिल्टर खुल जाते हैं बिल्कुल, फिल्टर ऐसा लगता है सांस नहीं आती है, इंजन गर्म हो जाता है, जाम हो जाने को होता है। दिखाएंगे आपको एक दिन जरूर। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में लगातार तार तार लगातार, हम आपको दिखाते रहेंगे बढ़िया बढ़िया चीज, झका झका चीज। मेरी जान तूने क्या कर दिया, ये तेरे लिए मैं घरवार छोड़ के आई, पूरी दुनिया छोड़ के आई, और तुमने हमें धोखा दे दिया, कपड़े उतार ये क्या करी, ये बेवफा निकली है तू, जल्दी खोल, कैसी औरत है तू, अपने मर्द के उसमें नहीं सोच रही है, कतल कपड़े उतार, मर्द के उसमें नहीं सोच रही है, कतल कपड़े उतार। A few moments later. अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले। ओ भाई भीषण गर्मी दूर लग रही है यार, बहुत खतरनाक बना रही है, नहाने टाइम तो मजा, नहाने टाइम तो मजा, और अब निकल रही है सजा हमारी, बहुत ही गर्म गर्म हवा है। तो 3 मरीज हमारे उस गाड़ी में बिल्कुल नहा धो के ऐसे मरीज की तरह हो गए हैं, कभी क्या पूछे ही मत, पहना है क्या बोला तूने। ठीक है फिर गाइस, चलिए फिर अमित भाई मिलते हैं। सज्जन भाई ऐसे बदनामी मत करो यार, तुम्हें दूसरे की यार भाई सैम क्रिएशन नहीं भाई, ठीक है चलो। हाँ चलो फिर, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये जो रास्ता है ना सीधा निकल लो, ठीक है सीधा निकल लो,
भाई मेरे हाथ मरे इसको बुखार आ रहा गाइस, बुखार आ रहा इसको। वो तो मैं सही टाइम से नहाने के लिए ले आया। देखो इसका टेम्परेचर देखते हैं, चेक करते हैं इसका टेम्परेचर। हाँ सही है, देखो भाई एकदम ठीक हो गया। इसको बुखार आ रहा था तो नहाने आने ले गए। देखो तो मरी हंसी जिंदा हो गई, वही हमारे कारण ना भाई, हमारे कारण है। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में लगातार। ठीक है भाई निकलो 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 निकलो, यही रास्ता है सीधे। सो गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करिए। गाइस तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। मिलते हैं नए दिन, नई सुबह, नई रात और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।